आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। SN1 एवं SN2 क्रियाविधि का हम अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है SN मीन्स होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये दो टाइप का होता है। एक पहला वाला होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सेकंड होता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। शुरुआत करेंगे हम इसको, देखो इसको एक बार फिर से देखिए। वन को हम लोग बोलते हैं यूनिमोलिकुलर और टू को हम लोग बोलते हैं बाईमोलिकुलर। तो यहां देखिए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द्वि आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर SN1 के साथ। ये देखिए SN1, ये जो SN1 होता है इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये देखिए यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। अब डियर स्टूडेंट से एक बात दिमाग में रखना कि ये जो SN1 मैकेनिज्म होता है ये हमेशा टू स्टेप्स में होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप्स में क्या होता है कि ये जो अल्काइल हैलाइड है इसको हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ये एल्किल हैलाइड को हम किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ लेते हैं। अब ये पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि ध्रुवीय प्रोटोनिक विलायक क्या होते हैं, तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं जैसे H2O ये होता है, फिर दूसरा जैसे अल्कोहल ये होता है, तीसरा RCOOH ये होता है। ये सभी सभी हमको क्या करते हैं, एच पॉजिटिव क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये एच पॉजिटिव क्या करते हैं, हमको देते हैं, यानी कि ये ऐसे विलायक हैं जो हमको एच पॉजिटिव देते हैं। इसलिए हम इनको बोलते हैं क्या, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि ध्रुवीय प्रोटोनिक या प्रोटॉन विलायक। ठीक है, तो इन पोलार प्रोटोनिक सॉल्वेंट के साथ हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को फर्स्ट स्टेप में लेते हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से यह होता है कि पहले तो आपको एक बात पता होगी या मैं आपको बता दूं, ये देखिए कि यहां पर ये जैसे R ये रेडिकल है यहां पर, ठीक है, और यहां पर ये जो X होता है तो ये तो पता ही होगा आपको कि ये पोलार होता है। पोलार मतलब ये ध्रुवी होता है, यानी कि यहाँ आर पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक्स पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, अब होता ये है कि जब हम इसको इस पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में इस एल्किल हैलाइड को लेते हैं, तो ये एल्किल हैलाइड का ये जो हैलाइड आयन है ये जो पोलार प्रोटोनिक सॉल्वेंट है या फिर इसको हम लोग पोलार यानी ध्रुवीय प्रोटोनिक विलायक कहते हैं, उसके अंदर ये हैलाइड आयन जो है डिसॉल्व हो जाता है। उससे क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है। ठीक है, यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो एनर्जी जो लिबरेट होती है वो एनर्जी क्या करती है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। यानी कि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को क्या कर देती है, ये ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से दोनों पूरी तरह से क्या होते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, ये जो एल्किल हैलाइड होता है ये क्या होता है, पोलर नेचर का होता है यानी ध्रुवीय प्रकृति का होता है, और ये जो पोलर प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, ठीक है, इसको हम लोग ध्रुवीय प्रोटोनिक विलायक बोलते हैं, उसमें इसका ये एल्किल हैलाइड जो है ये विलेय हो जाता है ना, सोल्यूबल हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, और एनर्जी लिबरेट होती है यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड रहता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और फिर ये क्या करता है कि ये आर पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन पूरी तरह से कर लेता है। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां वास्तव में मैंने आपसे कहा
कि जो SN1 रिएक्शन होती है ये हमेशा टू स्टेप में होती है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेप फर्स्ट है इसमें ये जो अल्काइल हैलाइड है ये जो प्रोटोपोलर प्रोटोनिक सॉल्वेंट है उसकी प्रेजेंस में क्या करता है स्लो रेट से, है ना, इनके बीच में क्या होता है डिसोसिएशन हो जाता है, यानी कि ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर से इधर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है और RCH2 पॉजिटिव बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। ये जो आपको नजर आ रहा है C पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो पहली स्टेप में क्या होता है कार्बोकेटायन का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब स्टेप टू में क्या होता है कि जो कार्बोकेटायन है इस पर ये जो न्यूक्लियोफाइल यानी जो नाभिक इसने अभिकर्मक है ये इस पर क्या कर देता है अटैक कर देता है। अटैक करने की वजह से यहां पर जो प्रोडक्ट होता है अल्कोहल इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां आपको ये बात समझ में आई कि पहली स्टेप जो होती है स्लोएस्ट स्टेप है जिसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड जो है सबसे पहले आयोनाइज होकर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है और फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि इस कार्बोकेटायन पर यह न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है जो कि फास्ट रेट से ये प्रोसेस होती है और अल्कोहल मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए मैंने कहा आपको कि प्रथम पद में ये जो एल्किल हैलाइड होता है ये मंद गति से कार्बोकेटायन का निर्माण करता है, ठीक है, और फिर द्वितीय पद में तीव्र गति से इस पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण कर देता है और उत्पाद का निर्माण करता है। देखिए केमिकल काइनेटिक से हम जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करती है, यानी कि हम दर नियम समीकरण से जानते हैं या हम रासायनिक बल गति से हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो जो मंद पद होता है उस पर निर्भर करती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करती है, चाहे उस केमिकल रिएक्शन में कितनी भी स्टेप क्यों ना हो लेकिन जो स्लोएस्ट स्टेप है वही उस केमिकल रिएक्शन की रेट को बताती है, उसके ऑर्डर यानी कि उसकी कोटि को निर्धारित करती है। तो आप देख रहे हैं इस अभिक्रिया में इस प्रोसेस में इस रिएक्शन में दो स्टेप होती हैं मगर इसमें एक स्लोएस्ट स्टेप है और एक फास्ट स्टेप है। तो जो ये स्लोएस्ट स्टेप है यही रेट डिटरमाइंग स्टेप है, यही दर निर्धारक पद होता है, ठीक है, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है यानी कि मंद पद है और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, एल्किल हैलाइड, जिसकी कंसंट्रेशन पर क्या होता है इस रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, यानी कि इस मंद पद में केवल एक ही एल्किल हैलाइड अणु है जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर जो होती है ये इसकी सांद्रता पर निर्भर करती है, यानी केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या SN1, ठीक है, याद रखिएगा। SN1 क्यों बोलते हैं क्योंकि इस स्लोएस्ट स्टेप में मंद पद में केवल एक ही रिएक्टेंट मोलिक्यूल है जिसकी वजह से इस केमिकल रिएक्शन की रेट जो है डिपेंड करती है, इस अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं SN1, यानी कि एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात जरा दिमाग में रखिए, मैंने आपसे कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो स्लोएस्ट स्टेप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी स्लोएस्ट स्टेप होंगी ठीक है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी उसकी रेट जो है डिटरमाइंड होगी, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो मंद पद होते हैं वही अभिक्रिया की दर निर्धारक पद होते हैं। अब आपने देखा इसके अंदर केवल एक ही स्लोएस्ट स्टेप है इसीलिए इसके अंदर आपने क्या देखा कि एक ही स्लोएस्ट स्टेप है और उसमें एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन की जो रेट है यानी जो ऑर्डर है वो क्या होगा वन होगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ वन बोलते हैं SN1, यानी कि ऑर्डर क्या है इसका वन, यानी इसकी कोटि क्या होती है एक होती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो वो ये देखते हैं मैंने आपसे कहा कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्लोएस्ट स्टेप के, इसको हम आप देखें इस रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप सिर्फ एक ही है, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आप क्या कि रेट जो होती है वो
यूनिमोलिक्यूल, यानी कि सिर्फ एक ही मोलिक्यूल पर डिपेंड करती है, सिर्फ एक ही अणु पर डिपेंड करती है। तो सही बात है, स्लोएस्ट स्टेप में भी देखो ना, रिएक्टेंट मोलिक्यूल तो एक ही है, तो डिपेंड क्या करेगी, रेट सिर्फ इसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, सिर्फ इसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी। अब डियर स्टूडेंट, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि इसके ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर देखिए, ये CH3, ये CH3CH2, और आपको पता है कि ये CH3 twice CH और लास्ट में है CH3 thrice C, यानी कि इसमें अगर आप कार्बोकेटन को देखें तो इसकी स्टेबिलिटी इस तरफ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस तरफ अगर हम जाते हैं तो नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल बढ़ रहा है, यानी इसमें प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। याद रखिएगा, प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या हो रहा है, इस ऑर्डर में बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन है इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इनका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि जिस तरफ इनका स्टेबिलिटी बढ़ती है, जिनका स्थायित्व इस तरफ अगर बढ़ रहा है, तो रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता भी किस ऑर्डर में बढ़ेगी, इसी ऑर्डर में बढ़ेगी। तो आप समझ जाना, SN1 रिएक्शन में जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। याद रखिए, CBSE में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखना है। ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा कि SN1 में जो कार्बोकेटायन का ऑर्डर है, जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये है। देख सकते हैं आप, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी कि ऑर्डर क्या है इसमें, जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल है, 2 डिग्री उससे कम है और 1 डिग्री उससे भी कम है, ठीक है, और मिथाइल कार्बोकेटायन उससे भी कम है। इसका मतलब रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें, और सबसे कम किसमें है, इसमें। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। एक बात और स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अगर आप किसी पोलर सॉल्वेंट को लेते हैं तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, उसकी रेट जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी ध्रुवीय विलायक लेते हैं अगर हम, तो उसकी दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर अगर हम देखें कि ये क्या है, ये एल्किललाइड है, और मैंने आपको कहा कि जो एल्किललाइड होता है इसमें पोलर नेचर का होता है, यानी कि ध्रुवीय प्रकृति का होता है। पोलर नेचर क्या होने की वजह से क्या होता है, इसका जो हेलाइड आयन होता है वो, जो मैंने आपको बताया था, प्रोटोनिक यानी पोलर प्रोटोनिक सॉल्वेंट, यानी कि ध्रुवीय जो विलायक होते हैं उसमें क्या होता है, जल्दी से आयोनाइज हो जाता है, ठीक है, जल्दी से आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से एनर्जी लिबरेट होगी, वो एनर्जी लिबरेट होती है तो बॉन्ड को इजीली क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, जिससे कार्बोकेटायन जल्दी से क्या हो जाता है, बन जाता है और स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है, स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है, यानी स्थायित्व जल्दी से ग्रहण हो जाता है। तो ये आपने जो देखा, ये डियर SN1 रिएक्शन थी। अभी देखिए, हम SN1 को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपको मैंने सिर्फ अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए SN2 को अगर हम देखते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे सामने आ गया SN2। देखो SN2, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो 2 का मतलब तो आपको पता है, बाई है ना, तो इसको हम लोग बोले बाई मोलिक्यूलर। देखो बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि द्विआणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब डियर स्टूडेंट, एक बात का दिमाग में रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ में आनी चाहिए आपको, कि जो SN2 मैकेनिज्म होता है ये केवल और केवल एक स्टेप में ही होता है, और उधर आपने क्या देखा कि जो SN1 होता है वो 2 स्टेप में होता है। देखो छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है, हमेशा के लिए फीड करना जरूरी होता है कि SN2 केवल एक स्टेप में होगा बस, और SN1 जो है 2 स्टेप में होगा, इतना तो फिक्स कर लो, ठीक है। तो SN2 की बात हो रही है यहां पर, जो हमने कहा आपको एक स्टेप में होगा, यानी इसमें सब कुछ एक स्टेप में होगा। देखो डियर, एक बात हमेशा समझने की कोशिश करो कि ये जो आपने अभी SN1 देखा, इसके अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में हुआ। क्यों? क्योंकि पहले एल्किललाइड ब्रेक हुआ, कार्बोकेटन बनाया, कार्बोकेटन पर फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन SN2 में क्या होगा, सब कुछ एक ही स्टेप में होगा, इसमें कोई 2 स्टेप नहीं होगी। अब देखिए इसके अंदर क्या हो सकता है, थोड़ा सा समझते हैं। आपको पता है ये क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और ये कौन है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये एल्किल हैलाइड है, और ये कौन है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो होता क्या है, आपको समझ में एक बात क्लियर है इसके अंदर, कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कभी भी है ना आगे से अटैक नहीं करता, ये हमेशा कहाँ करता है, पीछे से अटैक करता है, यानी कि जिस तरफ न्यूक्लियोफाइल है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये है ना,
तो यहां SN2 में क्या होता है, ये आगे से अटैक नहीं करता, कहां से अटैक करता है, पीछे से। पीछे मतलब इधर, ये देखिए ये इधर अटैक करेगा यहां पर, ठीक है। अगर ये पीछे अटैक करता है कहां पर, इस एल्किल लाइट के कार्बन पर, है ना, सीएल के जस्ट पीछे से अगर ये अटैक करता है तो देखिए इंटरमीडिएट स्टेट क्रिएट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। देखो इस ट्रांजिशन स्टेट में क्या है कि पहले अगर हम इसको लिखना चाहते हो RCHH, यानी इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब देखना यहां पर क्या हुआ कि सीएल निकल भी नहीं पाया और OH ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, है ना। ये पहली बार आप इस चीज को देख रहे हैं, देखो सीएल निकल ही नहीं पाया और OH ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो यहां पर हम सीएल को डेड डैश और OH को डेड डैश से शो करते हैं। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल पर चार्ज कौन सा होता है, माइनस, तो हम पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज लगाएंगे, माइनस। इसको दिमाग में रखना कि न्यूक्लियोफाइल पर जो चार्ज होता है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट की खोपड़ी पर आता है, कहां पर, ऊपर, ठीक है। अब देखना आपको एक बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यहां पर CCL के बीच में जिस तरह धीरे 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 बॉन्ड वीक होता जाएगा, उसी तरह से C और OH के बीच के में बॉन्ड क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन की वैलेंसी देखिए, 1, 2, 3, 4, और इसे भी पता है आपको कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, लेकिन ये जो ट्रांजिशन स्टेट आप देख रहे हैं, संक्रमण अवस्था देख रहे हैं, इसमें कार्बन की वैलेंसी पहली बार आपको 5 नजर आ रही है। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5 नजर आ रही है, 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई यानी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई। एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाने से क्या होगा, ये बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल हो गया, बहुत अधिक अस्थायी हो गया। जब हाईली अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा, क्या होगा, ये ब्रेक। तो ये वाला बॉन्ड जो है ये क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा, किधर, ये वाला इधर चला जाएगा। तो सीएल पूरी तरह से नेगेटिव आयन बन करके यहां से बाहर निकल जाएगा, और ये OH नेगेटिव पूरी तरह से, आपको पता है जब ये इनके बीच में बॉन्ड था ये इधर गया तो ये सीएल नेगेटिव आयन, ये देखिए यहां बाहर निकल चुका है, निकल गया, ये न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल चुका है। अब देखिए कार्बन पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और OH पे चार्ज आपको पता था कौन सा है, नेगेटिव। जब पूरी तरह से एक डार्क यानी सॉलिड लाइन का बॉन्ड बनेगा तो दोनों के चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज। ये देखिए अब कोई चार्ज नहीं है यहां पर, ठीक है। अब आप इस बात पर एक बात को जरा गौर से समझने की कोशिश करो, इसकी ये स्टेज जो है ये फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज, और फाइनल स्टेज जो होती है वो कौन सी है, ये स्टेज है। तो याद रखना क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि हेलाइड आयन जब बाहर निकल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिपार्चर ग्रुप, इसी को हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है और ये लिविंग ग्रुप जब सीएल नेगेटिव बाहर निकल जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है व्युत्क्रमण हो जाता है। अब ये इन्वर्जन कैसे होता है, चलो इन्वर्जन को समझते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए अगर मैं आपको यहां थोड़ी देर के लिए इस स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए थोड़ी देर के लिए मान लो ये, देखिए ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन मान लो, और यहां पर ये इस तरह से मैंने आपको यहां पर ये देखिए ये इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब इसमें क्या क्या है थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, ये रेडिकल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब उसके जस्ट बाद आपने देखा कि ये जो था ये कौन था, ये देखिए इसको अगर मैं देखा हूं आपको तो ये कौन है, सीएल नेगेटिव है, ठीक है, ये कौन है, ये सीएल नेगेटिव है। अब होता यहां पर ये है कि जब ये सीएल नेगेटिव बाहर निकल जाता है, ये देखिए बाहर निकल गया बाहर, तो इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये बाहर अगर निकला होगा तो क्या हुआ कि वहां पर एक न्यूक्लियोफाइल जरूर आया था, आपको पता है पीछे से इसने अटैक किया था। ये देखिए ये जो नजर आ रहा है आपको, है ना, ये देखिए यहां पर नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है ये जिसने क्या किया था। तो अटैक जब सीएल नेगेटिव ग्रुप जब बाहर निकल जाएगा तो इसका इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन मतलब ये देखिए ये इधर आ जाएगा, ये देखिए इधर आ जाएगा, और ये देखिए इधर आ जाएगा, जस्ट मोमेंट ये इधर चला गया ये सिचुएशन, और ये जो OH ग्रुप था वो इस तरह से आ जाएगा, जस्ट मोमेंट ये आपको इस तरह से, बोलो क्लियर। अब आगे समझ में, यहां से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि क्या हुआ, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन यानी कि व्युत्क्रमण।
आपने देखा होगा कि जैसे अपन छतरी अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं, ठीक है, अचानक क्या होता है, एक बहुत तेज हवा चलती है, हवा चलने से क्या होता है, हमारा जो छाता होता है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन, यानी यहाँ पर क्या हो गया ये इन्वर्जन। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी समझ में, देखना, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो गया। चेंज देखिए कैसे चेंज हुआ, पहले डियर एक बात को जरा सुनने की कोशिश करो, आपको पता है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये मिथाइल कार्बोकेटायन है। तो आपने देखा है SN2 के अंदर ये जो मिथाइल कार्बोकेटायन है ये मोर रिएक्टिव हो गया। अरे भाई ये मोर रिएक्टिव क्यों हो गया, इससे पहले अगर हमने देखा कि SN1 के अंदर ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन था वो ज्यादा क्या था, मोर रिएक्टिव था। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं, ये देखिए डियर, ये देखिए SN1 के अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या था, मोर रिएक्टिव था, और मिथाइल कार्बोकेटायन क्या था, लेस रिएक्टिव था, है ना। लेकिन आखिर SN2 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ये लेस रिएक्टिव हो गया और जो मिथाइल कार्बोकेटायन है ये मोर रिएक्टिव हो गया। तो डियर इसका आंसर आपके पास है और आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसका आंसर है स्टेरिक इफेक्ट, यानी कि त्रिविम विन्यासी बाधा। आप पढ़ चुके हो इसको, क्या बोलते हैं हम, इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, स्टेरिक इफेक्ट लगेगा, यानी कि इसमें स्टेरिक प्रभाव होगा, जिसको हिंदी में हम त्रिविम विन्यासी बाधा भी कहते हैं। और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो क्या, कि इस कार्बोकेटायन यानी कि इस कार्बन पर जितने ज्यादा रेडिकल लगते जाएंगे तो वो क्या करते हैं, हिंडर करते हैं, यानी कि अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि उनको रोकते हैं, उनकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। समझ में आ गया ना, इसको आपने पढ़ा था अमाइन के अंदर, ठीक है, मैंने आपको बताया होगा पहले कि 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री अमाइन। वाई? बिकॉज 3 डिग्री अमाइन में स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है 2 डिग्री अमाइन के कंपेरिजन में, ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करें तो आप टेंशन मत लें, आप जरा ध्यान से देखें कि इस कार्बन से 3 रेडिकल लगे हुए हैं, यहां पर कितने, 2 लगे हुए हैं, यहां पर कितना, 1 लगा हुआ है, और यहां पर 1 भी नहीं है। तो आपने क्या देखा कि इसमें स्टेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा यहां है, फिर कम कहां है, यहां है, फिर कम कहां है, यहां है। तो इस ऑर्डर में स्टेरिक इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी स्टेरिक प्रभाव क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल है जो पीछे से अटैक करते हैं वो कहाँ इजीली अटैक कर पाएंगे, अरे कॉमन सेंस की बात है, यहां पर सबसे पहले करेंगे, और अगर ये नहीं है तो 1 डिग्री पे करेंगे, ये नहीं है तो यहां करेंगे, और जब कोई नहीं है तो फिर यहां करेंगे, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। तब आपको बात समझ में आ गई है ना, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको कि जितना ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक नहीं करेगा, ठीक है, और आपको पता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ही नहीं तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, यानी कि क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, उसकी घट जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो एक बात और मैं भी क्लियर कर दूं आपको, ये ऑर्डर पे बहुत आपको ध्यान देने की जरूरत है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप CBSE को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपकी मदद करता हूं, ये देखिए ये SN1 में जो ऑर्डर है वो ये है, देखो 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है, लेकिन SN2 में उल्टा कर दो, यानी उल्टा एरो मार दो, अरे डरने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, देखिए मैं आपकी मदद करता हूं, देखो आप ऐसे लिख लो SN1, ठीक है, लिख लिया, इसमें एरो इधर मार दो, यानी कि इस तरफ रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और SN2 लिख लो ऐसे और एरो इधर मार दो, इसका मतलब क्या हुआ कि SN2 में ऑर्डर इधर रहेगा रिएक्टिविटी का और SN1 में इधर रहेगा, देखो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, चलिए अब हम SN1 एंड SN2 को शॉर्ट में अर्थात संक्षेप में समझते हैं। आप जानते हैं SN1 मैकेनिज्म ये 2 स्टेप में होता है और SN2 जो है ये 1 स्टेप में होता है। दूसरी बात, SN1 में जो रेट है, अभिक्रिया की दर है, ये ओनली 1 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसमें जो अभिक्रिया की दर होती है केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। आगे
ये जो SN2 है, ये मैंने बताया आपको कि केवल एक स्टेप में एक पद में होता है, लेकिन इसमें जो रेट होती है ये टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, यानी कि अभिक्रिया की दर जो होती है दो अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, अब आपको पता चल गया एक रिएक्टेंट यानी कि वन रिएक्टेंट यानी एक अभिकारक कौन सा होगा, यानी अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, उसी पर डिपेंड करती है। और यहां क्या होता है, टू रिएक्टेंट। अब टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन कौन से हो गए, एक तो न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेह अभिकर्मक हो जाएगा, और दूसरा कौन होगा, दूसरा अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन पर इसकी रेट क्या करेगी, दर जो है निर्भर करेगी। आगे अगर हम SN1 में रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो आप यानी क्रियाशीलता की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये जो कार्बोकेटायन है, याद रखिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है, कार्बोकेटायन का जो स्थायित्व है वो इस तरफ ज्यादा होता है, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी भी इस तरफ क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होगा, ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा क्या होगा, क्रियाशील होगा। ठीक, अगर हम SN2 की बात करते हैं तो SN2 में मैंने आपको बताया था कि जितने ज्यादा रेडिकल लगते जाएंगे किसी भी कार्बन एटम से, जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेडिकल होंगे, जितने ज्यादा मूलक होंगे, तो नाभिक स्नेह ही माफ करना, जो नाभिक इसने अभिकर्मक जो होता है यानी जो न्यूक्लियोफाइल होता है उतनी हार्डली जो है वो अटैक करता है, उतनी मुश्किल से क्या करता है, वो अटैक करता है। ठीक है, यानी कि उसमें क्या लगता है, एस्टेरिक इफेक्ट लगता है, एस्टेरिक प्रभाव लगता है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेडिकल अटैच होंगे रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। जितने नंबर ऑफ रेडिकल कम होंगे रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्रियाशीलता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपने देखा इसमें ज़्यादा रेडिकल लगे हुए हैं कार्बोकेटायन में तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। आपने देखा 1 डिग्री कार्बोकेटायन में नंबर ऑफ रेडिकल कम होते हैं इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन में न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा और इसमें सबसे बाद में अटैक करेगा। इसमें नाभिक स्नेह अभिकर्मक सबसे पहले आक्रमण करेगा जबकि इसमें सबसे अंत में आक्रमण करेगा, अगर हम तीनों की कंपेरिजन करते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है कि SN1 में जो रेट यानी अभिक्रिया की जो दर होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ज्यादा होती है। देखो रेट डिपेंड्स अपॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, रेट ऑलवेज इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें जो अभिक्रिया की दर होती है वो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में ज्यादा होती है, बस ये याद रखो। और यहां पर क्या होता है SN2 में कि इसमें जो रेट होती है यानी जो अभिक्रिया की दर होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसमें जो अभिक्रिया की दर होती है वो ध्रुवीय जो प्रोटिक विलायक है उसकी उपस्थिति में क्या होती है, कम होती है। तो एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए आप, इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि इसमें जो रेट होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बढ़ जाती है और इसमें जो रेट होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाती है, यानी घट जाती है, बस। ठीक है, तो ये आपने अभी इस SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म को आपने समझने की कोशिश की होगी। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताने की कोशिश की SN1 एंड SN2, ये आपको जो चैप्टर्स होते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन चैप्टर्स में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। हालांकि हेलो एल्केन हेलोरिन में तो होता ही है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, मैंने अपनी कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है, थैंक यू।